अभी हमें मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल रही है, यानी कि BTC नीचे है और इसी के साथ साथ और कंट्स भी थोड़ा नीचे आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें एक मौका मिलने वाला है कि हम डिप बाय कर पाएं। लेकिन आज का हम डिप बाय करने वाले हैं खासकर मीम कॉइंस का, तो टॉप 3 मीम कॉइंस का हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपको एक मैं हिडन जेम भी बताने वाला हूं, जो लगातार बहुत अच्छा प्रॉफिट देता आ रहा है और अभी इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों के अंदर मिलने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको AI बेस्ड कॉइन्स बताए थे, तो सारे के सारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम मीम कॉइन्स को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो कि मीम नहीं है, बल्कि इनका जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा हो चुका है और लगातार इनमें नई से नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। तो हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ, जब भी कोई नए कॉइन की लिस्टिंग आने वाली होती है या फिर कोई भी कॉइन नया लिस्ट होता है, उसमें कब अच्छा पंप आता है जिससे क्या कि आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न भी कर पाओ। तो ऐसे आपके साथ जो मैं हिडन एक जैम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ईगो के नाम से। कल भी मैंने आपको अपडेट किया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो वॉफ्ड ऑफिशियल के ऊपर आपको कल भी बताया था कि ईगो नाम का एक प्रोजेक्ट है, एक कॉइन है जो कि पेस सेंजर का खुद का नेटिव कॉइन है। ऑलरेडी ये बायबिट के ऊपर आ चुका है, क्यूकॉइन के ऊपर, MEXC पैनक्रो स्वैप के ऊपर है, एंड सबसे बड़ी चीज है कि अभी बिंगएक्स के ऊपर अभी ही इसकी लिस्टिंग हुई है। और हर एक एक्सचेंज की लिस्टिंग के ऊपर इसमें क्या है कि बड़ा प्राइस मूव भी हमें देखने को मिला है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाकी जो बड़ी एक्सचेंजेस और भी बची हैं उनके ऊपर भी इसकी लिस्टिंग बहुत ही जल्द आने वाली है। यही कारण है कि आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लो मार्केट कैप वाला कॉइन है। इसका मार्केट कैप लगभग $4.5 मिलियन के आसपास चल रहा है। ईगो कॉइन की आपको अपडेट्स इनके ट्विटर के ऊपर ही मिलने वाली हैं, तो अभी ये मार्केट में एक्सपेंशंस कर रहे हैं, एक्सपेंशंस के साथ साथ क्या है कि नई से नई लिस्टिंग्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। एंड वैसे भी इसका नाम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि EGO के नाम से, यानी कि ईगो के नाम से है। ये आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, आप बिंगएक्स एक्सचेंज के ऊपर जा सकती हैं। तो BNB इकोसिस्टम के ऊपर, BNB चेन के इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ही कम ऐसे कॉइन्स हैं जो कि टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन ईगो टोकन अभी वन ऑफ द मोस्ट एडवांसिंग टोकन्स में से एक है, जो कि हमने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी देखा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक चल रहा था, जिसमें पेपे कॉइन, एवो कॉइन ये चल रहे थे और ईगो कॉइन भी चल रहा था। एंड अभी भी आप मोस्ट विजिटेड कॉइन्स में से एक अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ईगो कॉइन दिख जाएगा, जो कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप इजिली देख सकते हो। यही कारण है कि मैं आपके साथ ये कॉइन शेयर करना चाहता था कि इसकी जो वैल्यू है बहुत कम चल रही है, $0.08 के आसपास चल रही है। यहां से हमें 10 से लेकर 50x तक का प्रॉफिट बहुत ही इजीली मिलने वाला है। एंड वैसे भी मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, तो अभी डिप बाय करने का बिल्कुल सही मौका है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करो। अभी हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के ऊपर, तो लिस्ट हमारी है 3 कॉइंस की। तो सबसे पहला कॉइन जो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइंस में से एक चल रहा है, ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आपको पेपे कॉइन बार बार दिखा होगा, तो करेक्शन की वजह से अभी एक सही मौका मिल रहा है पेपे कॉइन में एंट्री लेने का। $0.000087 के आसपास चल रही है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप डिप बाय कर सकते हैं। इसका जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो प्राइस है और वॉल्यूम है दोनों कम हुए हैं, हमें एक मौका मिल चुका है यहाँ पे एक एंट्री लेने का। और ये एक ऐसा कॉइन है जिसकी बाइनेंस के ऊपर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा पेपे कॉइन्स की होल्डिंग्स है इस वक्त। उसके बाद ये बायबिट के ऊपर है, जो कि लगभग 20% के आसपास है, और फिर OKX के पास 5% है। अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम पेपे कॉइन की बाइनेंस के ऊपर पड़ी है, तो डेफिनेटली ये बेस्ट कॉइन्स में से एक ही होने वाला है। और अभी इसकी वेल्स की एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, यही कारण है कि ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। सेकेंड कॉइन की बात करें तो यह शिबा इनू, तो शिबा इनू की अभी फिर से बहुत ज़्यादा हाई बन रही है। आप अगर ट्विटर के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको शिबेरियम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में दिख रहा होगा, बार बार शिबेरियम की ही बात करी जा रही है। तो अभी शिबेरियम नेट की जो यूजेबिलिटी एक्सप्लोरर की, वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो L1 एंड L2 के ऊपर और भी ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी फंड्स को ईजिली मूव किया जा सकता है इथेरियम लेयर 1 से शिबेरियम लेयर 2 नेटवर्क के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर ईजिली डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स किए जा सकते हैं या फिर ट्रांजेक्शन्स करी जा सकती हैं। तो जब भी शिबेरियम की अपडेट आती है, शिबेरियम की वजह से शिबा इनू हमेशा बहुत ज़्यादा हाइप में रहे, और वही सेम चीज़ अभी हम देख पा रहे हैं। इस वक्त शिबा की जो वैल्यू चल रही है $0.00028 के आसपास चल रही है, तो मार्केट बुलिश होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जीरोस लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन डिप बाय करने का मौका आज हमें मिल चुका है, तो डिप बाय जरूर करें। तीसरे कॉइन की बात करें तो तीसरा हमारा जो बेस्ट मीम कॉइन है, वंस अगेन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो फ्लॉकी इनू आप बाय कर सकते हैं। इसकी वैल्यू $0.00024 के आसपास चल रही है। तो पहले क्या था कि फ्लॉकी इनू सिर्फ एक मीम कॉइन के नाम से था, लेकिन अभी इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता जा रहा है।
और ये पीपल्स क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जा रहा है। फ्लॉकी के इकोसिस्टम में अभी जो फ्लॉकी है ये सिर्फ फ्लॉकी बन ये एक मीम कॉइन नहीं है बल्कि एक यूटिलिटी टोकन बन चुका है। इसकी पार्टनरशिप्स अगर आप देखोगे तो ये डिस्कवरी के साथ, एमटीवी के साथ, फोर्ब्स के ऊपर इसकी बात करी जा रही है, फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर, सीएनएन के ऊपर, तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी हाई बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पे इनका जो इकोसिस्टम है इसमें लगातार नए से नए एडिशंस होते जा रहे हैं। अभी जो वलाला आया है जो है फ्लॉकी का प्ले टू अर्न एनएफटी मेटावर्स आया है, ये अभी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्लॉकी का प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है। इसका टोकन फाई आया था जो कि इससे पहले आया था, इसमें स्टेकिंग करी जा रही है, फ्लॉकी फाई आया, एनएफटीज आए, फ्लॉकी फाई का प्रीपेड कार्ड आया, फ्लॉकी प्लेसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लॉकी, यानी कि बहुत कुछ इसके इकोसिस्टम में आ चुका है, आप खुद देख सकते हैं। और इसकी जो पार्टनरशिप्स है ये भी लगातार चलती रहती हैं। तो अभी एज ए यूटिलिटी टोकन भी यूज़ किया जा रहा है फ्लॉकी इनको, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक मीम कॉइन के नाम से सामने आया था लेकिन आज इसको हर जगह पे यूज़ भी किया जा रहा है। यही कारण है कि इसकी जो रैंक है मार्केट कैप के हिसाब से 51st हो चुकी है, यानी कि 51 के आसपास आ चुकी है जो कि टॉप 50 के आसपास पहुंच चुकी है। वही अगर हम शिबा इनू की बात करें तो ये मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 11 रैंक इसकी चल रही है जो कि डॉज के बहुत ही आसपास चल रही है। डॉज कॉइन 9th पोजीशन पर है और शिबा इनू 11th के आसपास है। इनका जो मार्केट कैप है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। तो यही कारण है कि अभी ये तीनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अभी डॉज से मुझे याद आया, आपके साथ अपडेट करना भूल शेयर करना भूल गया था, तो डॉज को भी यूज़ किया जाएगा। अभी एक नया जो मिशन आ रहा है तो उसमें डॉज की बहुत ज़्यादा बात करी जा रही है, तो पेमेंट्स के लिए डॉज को एक्सेप्ट भी किया जाएगा। अगर आपको डॉज कॉइन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए यानी कि पूरी जानकारी डीपली चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना डॉज कॉइन, तो मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो भी लेकर आऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।